तो आखिरकार नेतन्याहू पहुंचे अमेरिका के संसद में और अमेरिका के संसद में इन्होंने स्पीच दी, लेकिन बाहर क्या हो रहा था? अमेरिका के अंदर और अमेरिका के इतिहास में पहली बार इस तरह का रूप देखने को मिला। आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक वीडियो, जिस वीडियो में आपको एलन मस्क दिख रहे हैं और एलन मस्क के ठीक नीचे ये जो दिख रही है लड़की नोआ, ये वो हैं जिन्हें पकड़ कर ले जाया गया था। एलन मस्क के सामने ही कई सारी बातें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कही और बाहर जो बवाल मचा, वो बवाल के साथ साथ संसद के अंदर भी एक बवाल मचा जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बहुत सारी चीजें हुई है इसी बीच। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एडवाइजरी जारी करी है अमेरिका ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अमेरिका में नेतन्याहू के स्पीच को लेकर दो तरह की बात हो रही है। पहली बात, थोड़ा सा इस स्पीच को सुनिए। माय डियर फ्रेंड्स, द वॉर इन गाजा कुड एंड टुमारो इफ हमास सरेंडर्स, डिसआर्म्स एंड रिटर्न्स ऑल द हॉस्टेजेस। But if they don't, Israel will fight until we destroy Hamas's military capabilities, end its rule in Gaza, and bring all our hostages home. That's what total victory means, and we will settle for nothing less. स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेतन्याहू ने साफ किया कि हमास से लड़ाई तभी रुकेगी जब हमास खत्म हो जाएगा। और आपको बता दूं, नेतन्याहू ने करीब 55-54 मिनट की स्पीच दी होगी और इस बीच उनको खड़े होकर अभिवादन भी किया गया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारे लोग आपको खड़े दिख रहे हैं सिवाय एक शख्स जिसने यहाँ पर विरोध किया। न सिर्फ विरोध किया बल्कि काली तख्ती लेकर ये बैठी थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनको। ये इस वक्त मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में है। कौन है ये? मिशिगन की डेमोक्रेट सांसद हैं रसीदा तलीब, जिनके हाथ में ये पट्टा था और इस पट्टे पे लिखा हुआ था, एक साइड लिखा हुआ था गिल्टी ऑफ जेनोसाइड और दूसरी तरफ लिखा था वॉर क्रिमिनल। इनकी मांग थी कि इनको अरेस्ट किया जाए और इनको सजा मिलनी चाहिए, ये वॉर क्रिमिनल है। और आपको बता दूं, इस स्पीच के दौरान एलन मस्क भी यहाँ मौजूद थे, आप देख सकते हैं। अब एलन मस्क मौजूद थे तो बिना किसी बड़ी वजह के तो मौजूद नहीं होंगे। एलन मस्क जिस बॉक्स में बैठे थे वहीं नोआ भी बैठी हुई थी। नोआ कौन? आपको ये तस्वीर याद होगी, अक्टूबर 7, ये जो लड़की जिसे अगवा किया जा रहा था, बाद में इसे छुड़ाया गया, यही वो है। वो भी यहाँ पर मौजूद। एक दिन पहले जिस होटल में ठहराया गया था नेतन्याहू को, उस होटल की ये वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। कहा जा रहा है कि टेबल पर खाना वगैरह बिखरा हुआ था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुँच गए थे। अब हो क्या रहा है कि अमेरिका में प्रदर्शन भी हुए हैं और ये प्रदर्शन अमेरिका के इतिहास में एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा सिचुएशन पैदा करता है। कैसे? तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नेतन्याहू का पुतला जलाया गया। चलो ये चीजें तो होती है, पर यहाँ पर जो खास खास चीजें थी वहाँ पर भी हड़कंप मचाया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो घंटा देख रहे हैं आप, इसे फ्रीडम वेल कहा जाता है, Washington DC में ये मौजूद है। यहाँ पर अलग अलग तरह के स्लोगन लिखे हुए मिले। वहीं स्टेचू के पास ये लिखा हुआ मिला कि हमास इज कमिंग। ये इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया में। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली कि अमेरिका का झंडा उतार कर यहाँ फिलिस्तीन के झंडे को फहराया गया और न सिर्फ इतना बल्कि अमेरिका के झंडे को भी जलाया गया। ये सारा चीज
कहीं और नहीं हो रहा है, ये सारी की सारी चीज हो रही है अमेरिका के वॉशिंगटन में। कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। अब कई लोग इस चीज को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। अमेरिका में ये बात भी उठ रही है कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो शख्स हैं डेविड एम, ये इजराइल में राजदूत रह चुके हैं। इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया कि देखो कैसे हमारे झंडे को उतार कर फिर ये फलस्तीन का झंडा वगैरह चढ़ा रहे हैं। इस तरीके का माहौल पैदा हुआ। हालांकि इन सब के बीच में इजराइल ने क्या कहा है, इजराइल ने साफ कर दिया है कि अमेरिका को साथ रहना होगा। इजराइल और अमेरिका अगर साथ हैं तो हम जीतेंगे, हम पहले भी जीते थे और आज भी जीतेंगे। ताकि नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये मैं कैसे कह रही हूँ, तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, अल जजीरा का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला ने एक वीडियो फुटेज रिलीज किया है। और स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं जिस वीडियो में दिखाया गया है कि इजराइल के एयरबेस का ये वीडियो है, ड्रोन से इसको शूट किया गया है और इसे रिलीज किया गया है। वीडियो रिलीज करने का क्या मतलब होता है, वीडियो रिलीज करने का मतलब ये होता है कि हिजबुल्ला ये समझा रहा है कि देखो हमारे ड्रोन अगर तुम्हारे यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हमारे ड्रोन यहाँ तबाही भी मचा सकते हैं। अभी हाल ही में एक ड्रोन इजराइल के अंदर भी आया था, हुतियों का ये ड्रोन था और जिसने विस्फोट के बाद एक इजरायली की जान भी ले ली। तो अब ये वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं हिजबुल्ला, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा है इजराइल पर हमला करने का। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण वही है जो नेतन्याहू कह रहे हैं कि अमेरिका और हम जब तक साथ हैं सब जीतते हैं और आगे भी जीतेंगे। उन्होंने ईरान को लेकर भी बातें कही कि ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसका राज आए और उसके बाद वो अमेरिका पे हावी हो, ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वगैरह वगैरह। कुल मिला के यहाँ पर चौथी बार दे रहे थे इजरायली पीएम संबोधन और ये संबोधन कुछ ऐसा ही रहा जिसमें एलन मस्क जैसे बड़े लोग भी शामिल हुए और इनको खड़े होकर अभिवादन भी मिला। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी करी है और इस एडवाइजरी में भारत के मणिपुर, जम्मू कश्मीर और कुछ ऐसे इलाके जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां जाने के लिए चेताया है। अमेरिका ने वैसे तो पूरे भारत की जो लेवल है वो 2 रखा है, लेकिन मणिपुर, जम्मू कश्मीर के इलाकों को लेवल 4 में रखा गया है। अब कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो नेतन्याहू के साथ वो कितना आगे बढ़ेंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात और कहूँ, इस संसद में खड़े होकर इजराइल के पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बोला कि थैंक यू, आपने हमारी मदद की थी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।